हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम सुक्खू ने 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 की फौरी राहत। मंडी इलाके का हवाई सर्वे भी किया। हिमाचल में तबाही रोकने का प्लान, सीएम बोले गांव से लेकर गलियों का ड्रेनेज सिस्टम सही करेंगे। शिमला में बिल्डिंगों के गिरने का खतरा, 41 घर कराए खाली। लैंडस्लाइड में एक परिवार की 3 पीढ़ियां हुई खत्म, एक साथ दर्शन करने गए थे मंदिर। आपदा की इस घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता, बोले हर्षवर्धन चौहान। खत्म हुआ मछली के शौकीनों का इंतजार, 2 महीने बाद हटा मत्स्य अखेट से प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार, फतेहपुर के विधायक भवानी पठानिया, इंदौरा के विधायक मलिंदर राजन के साथ हेलीकॉप्टर से पौंग बांध से छोड़े गए पानी में डूबे मंड क्षेत्र के गांवों का निरीक्षण किया तथा प्रभावितों को हर संभव सहायता मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि फौरी राहत की राशि को 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया है। प्रशासन को पानी में फंसे हर व्यक्ति तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। जब तक पानी में फंसे प्रत्येक व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक प्रशासन यही जुटा रहेगा। आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद भी जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में सदी की सबसे भयानक तबाही से सबक लेते हुए सरकार ने 800 करोड़ रुपए की योजना लाने जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डिजास्टर मिटिगेशन के लिए नई योजना को लेकर विस्तृत ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। आज शाम को भी इस योजना को लेकर सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में तबाही का सबसे बड़ा कारण घरों का स्ट्रक्चर डिजाइन, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होना और घरों और छतों से निकलने वाले पानी की सही निकासी नहीं होना है। इन सब के लिए योजना तैयार की जा रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला में बारिश थमने के बाद भी कुदरत का कहर नहीं रुक रहा। कृष्णा नगर में आज 35 से ज्यादा मकान खाली कराए गए। वहीं समरहिल और हिमलैंड में भी 6 बहुमंजिला बिल्डिंगें खतरे की जद में आ गई। लोअर समरहिल में MI भवन के साथ 4 मकान और हिमाचल में 2 मकान को खतरा पैदा हो गया है। शहरी विकास विभाग के 6 मंजिला भवन के पीछे भारी लैंडस्लाइड से बिल्डिंग का संकट मंडरा रहा है। इससे यहां काम करने वाले कर्मचारी दहशत में हैं। उधर समरहिल और हिमलैंड में 4 घरों व आंगन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने के बाद इनमें रह रहे 18 से 20 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। शिमला के समरहिल इलाके में सोमवार को बादल फटने से हुए भूस्खलन के बाद एक मंदिर बह गया। इस दुर्घटना में एक परिवार ने अपनी 3 पीढ़ियों के सदस्यों को खो दिया। समरहिल इलाके से अब तक कुल 13 शव निकाले जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक जब शिव मंदिर ढहा तब 3 बच्चों सहित परिवार के 7 सदस्य अंदर थे। मृतकों की पहचान पवन शर्मा, उनकी पत्नी संतोष, बेटे अमन, बहू अर्चना और 3 पोत्रियों के रूप में हुई। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के अनुसार परिवार के 5 सदस्यों के शव मिल गए हैं, जबकि 2 व्यक्ति लापता हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पांवटा साहिब के सिरमौरी ताल में विनोद कुमार को सांत्वना देने पहुंचे। इनका पूरा परिवार गत दिनों भारी वर्षा के बाद आई बाढ़ में काल का ग्रास बन गया था। विनोद कुमार अपने बड़े भाई कमल के घर में रह रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार उनके साथ है और हर संभव सहायता करेगी। हर्षवर्धन चौहान राजबन भी पहुंचे, जहां सिरमौरी ताल के बाढ़ प्रभावित 17 परिवारों के लगभग 200 लोगों को सरकार ने आश्रय प्रदान किया है। उद्योग मंत्री ने आश्रय गृह में मौजूद सभी लोगों से बातचीत करके उनकी पीड़ा को कम करने का भरसक प्रयास किया। आखिरकार 2 माह तक मत्स्य अखेट से प्रतिबंध हट गया तथा मंगलवार को सुबह ही मछुआरे झील किनारे जाल व कश्तियों को लेकर पहुंच गए। शाम को मछुआरों ने झील में जाल लगा दिए तथा मछुआरों के चेहरे भी खिल उठे। इसके अलावा काफी संख्या में लोग भी झील किनारे पहुंचे थे।
इस बार जल स्तर भी काफी ऊपर है। मछुआरों द्वारा किश्तियों को झील में डाले जाने से झील भी गुलजार हो गई। मछुआरों ने मत्स्य सोसाइटीज में मछली पहुंचाई तथा वहां पर मछली खरीदने के शौकीन काफी लोग पहुंच गए थे। मछली मंडी पठानकोट, तलवाड़ा व दिल्ली में भी पौंग झील की मछली भेजी गई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।